we can reprogram ourselves the same way by making our self-talk positive. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम दिन में किसी भी टाइम चाहे रात को सोते वक्त बिल्कुल साकिन लेट के डीप ब्रीदिंग करते हुए फोकस करें कि हम सोच क्या हैं। अगर दिन में मौका नहीं मिल सकता वैसे तो दिन में भी करें, लेकिन दिन में लंच टाइम पे कभी भी आपको मौका मिले दो मिनट साकिन बैठ के रात को लेट के सिर्फ फोकस करें कि आपके जहन में ख्याल क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम यही नहीं जानेंगे कि हमारे जहन पे ख्याल कौन से हैं और हमारी खुद कलामी क्या चल रही है तो उसको चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्फ्स एंड व्हाट आर वी सेइंग रिपीटेडली टू आवरसेल्फ्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर सेल्फ इमेज एंड आवर सेल्फ एस्टीम। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस में बड़े इंस्पायर ट्रेनर आते हैं, इंस्पायर करते हैं, ये करके 72 घंटे में हवा निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? इसलिए निकल जाती है, हमारा जो सेल्फ टॉक है वो नेगेटिव है एंड इट अफेक्ट्स आवर बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस इवन आवर सिचुएशंस। दैट्स वेयर माय स्टोरी बिगिंस, बिकॉज एज अ टीनेजर यहाँ बहुत सारे और मेरे हॉबीज थे, क्रिकेट खेलता था, म्यूजिक का शौक था, वहां मेरा एक और शौक था। क्या था? उड़ने का। I used to think a lot. I used to reflect. I used to question. ऐसा क्यों? और उसमें एक चीज जो मैं repeatedly सोचता था वो ये कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं जो हम सब की लाइफ में होते हैं। क्या आपने किसी के बारे में सोचा वो मिल गया, कहीं पे नजर आ गया, कॉल आ गई, हम क्या कहते हैं? कितना हसीन। या हम कोई चीज रिपीटेडली सोच रहे होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हो जाती है, मैंने तो कहा था। या आप महफिल में बैठे हैं, आपने कोई बात सोची, सामने वाले को भी बात कहती कुछ और मामले था। Now all these instances we were told that they are nothing but chance or coincidence. I used to question that. यार ये क्या बाकी कोशिश होते हैं या कोई इसके पीछे you know there's some process to it, something that makes it happen, something that triggers it, and that what led me. अभी भी देखिए कितनी interesting coincidence है कि while I used to wonder and question all this, this is my father, late father Majid Kirbhai, इनके कॉलेज के दोस्त थे अब्दुल वाहिद खान, तो ये इस्लामाबाद से रिटायर होकर आए और हमारे घर इनका आना जाना बहुत शुरू हुआ और दोनों साहबान ने मिलकर कंपनी बनाई और ये मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग देते थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 89-90 में ये अंकल मेरे आए और घर में आना शुरू हुआ, इन्होंने बैठ के ट्रेनिंग का मटीरियल डिस्कस करते थे, यू नो कॉर्पोरेट कल्चर गोल सेटिंग। एक बात जो मेरे काम में जाके लगी और उसने मेरी जिंदगी बदल दी, अब आप उसको इत्तेफाक कहें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ। इसे वो वालिद को किदवाई कहते थे, यार किदवाई तुम्हें पता है वेस्ट ने न्यूरो साइंस में कितनी तरक्की करी। वो कहते हैं यार ब्रेन में एक जबरदस्त सलाहियत है कि अगर आप अपने गोल को फोकस करें और विजुलाइज करें रिपीटेडली विद इमोशंस, यार अल्लाह ताला कायनात से ऐसी ताकतें देता है वो कि वो हो जाती है। मैं तो छा मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अब मैं उनके साथ चिपक गया पैरासाइट की। वो जहाँ सेशन करने जाते, अच्छा मुझे याद है पहला जो मैंने उनका सेशन अटेंड किया वो कस्टम हाउस में था, वहाँ पे ये वालिद और एक और लेक्चरर आए थे कनाडा से कोई कोर्स करके, अब्दुल भाई साहब नहीं मालूम ही पास हो गए कपल ऑफ इयर्स अगो, ही रिजाइड इन इस्लामाबाद। तो और जो कुछ मैंने सीखा है ना वो उनकी वजह से, तो अल्लाह ताला की मगफरत करे, व्हाटएवर दैट आई एम टुडे बिकॉज़ ऑफ हिज नॉलेज एंड हिज मेंटरशिप। He later became Pakistan's sports psychologist, national hockey team ke sports psychologist bhi bane the, aur unhone yahi concepts national team ko batayi, fir main aapko example bhi dunga ki hamare sports mein kis tarah ye istemal hoti hai. So anyways, jab wo custom house mein main gaya aur wahan pe ek jo Pakistani Canadian sahab aaye, goal setting wala hissa unhone kiya tha aur unhone explain kiya ki kis tarah se yahi visualization aap kare, unhone apni example se bataya. उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाब होता था कि मैं कोई एक टॉय फैक्ट्री चलाऊंगी, मेरे पास कोई फंड्स नहीं थे, लेकिन मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की, आई केप्ट ऑन विजुलाइजिंग, आई केप्ट ऑन डूइंग दैट फॉर अ ईयर, नथिंग हैपेंड।
And he said, but suddenly things started to fall in his place. कहीं से मुझे funding वो भी सब कुछ हो गया. And one day came that I was sitting in the office that I had imagined exactly the way. जैसे मैंने visualize किया था, exactly वैसे ही मेरा मैंने अपना वो office पाया. 1990 से लेके 2007 तक फिर मैं अपनी डिफरेंट जॉब्स करता रहा, उस टेक्निक को थके चुके इस्तेमाल करता रहा. जहाँ जहाँ मौका मिलता मैं अपनी सेल्स, बिकॉज आई वर्क इन सेल्स फॉर 9 years बिफोर आई स्विच टू ट्रेनिंग, तो मैं अपनी सेल्स टीम्स को बड़े डर डर की टेक्निक बताता था. मुझे पता था ये मेरी जहनी सराइफ पे चुप चुप करेंगे. बट आई ट्राई टू हेल्प पीपल द विचर हो गया क्या. But when I finally decided that I need to go out in public and share it with as many people as I can, other than my workshops, I decided to publish a book. So 2007 में मैंने अपनी रिसर्च करना शुरू की. Mind Power की किताबें, I'm sure most of you have, ये बड़ी मशहूर. This DBT and book helped me a lot, because when Rhonda Byrne came out with this book in 2006, I took a sigh of relief. मैंने कहा मैं भी क्लॉज़ेस से निकल सकता हूँ. तो ये अगर आपको मौका मिले तो आप YouTube पे it explains it all. Bahi Jisnaya, Silver Mind Control. This was my first book actually which I did. Maxwell Morals, again, mind-blowing. So a lot of these mind power books mention this technique, Tony Buzan. Even in self-help book, Anthony Robbins ki kitabon mein ye aapko technique milegi. Wayne Dyer ne apni kitabon mein bahut use kiya hai. Napoleon Hill, Norman Vincent Peale. So a lot of these books, and I just went crazy. I got 110 books and I have it in my, and I flagged it. ये 110 में से मैंने कोई 30-40 को cover to cover पढ़ी है और बाकियों को मैंने flag किया कि जहां जहां पे ये visualization ये ऐसी मिलती जुलती जो steps हैं वो हैं. So all of these management books also mentioned it. Very popular, Who My Chiefs, ये है. Stephen Covey, he mentions it in his book. तो मुझे बड़ी ठहरे से डेढ़ से रुको मरता था. अरे मैं अकेला पागल नहीं हुई और भी लोग नहीं आए. सो आई केम अक्रॉस 18 डिफरेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजीज फॉर दिस वन कॉन्सेप्ट. सो अल्टीमेटली इट्स नॉट द नाम बट द काम. असल चीज ये नहीं इसको किस नाम से कहते हैं, असल चीज ये करती है. सो नाउ बिफोर आई कम टू द विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस. पहली चीज बोले दिल और जहन से इसको सुने समझे. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इस बात को तस्लीम करें, क्योंकि वो सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद तभी पाने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारा माइंड क्या करता है. इट मे डिलीट, इट मे डिस्टॉर्ट, इसलिए मैं आप पहले से बता रहा हूँ करेगा. तो आप अगर ऐसी बात आए तो उसको जहन को कहें जरा 2 मिनट साइड में बैठो, 15 मिनट हैं, 15 मिनट के बाद हम जज करेंगे. डू योर ओन रिसर्च. ये कॉन्सेप्ट जो है ये फेथ पे काम करता है. वेरी ऑब्वियस, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल जो है उसको होते में देखें, चाहे वो अभी मुमकिन हो या नहीं आपके लिए. कैसे, अगेन यू सी द लेफ्ट ब्रेन कम्स इन एंड स्टार्ट्स टू इंटरफेयर कि भाई बगैर एविडेंस के तुम लोग कैसे कर सकते हो ये. सबूत बताओ ये कैसे काम करता है. सबूत नहीं है सर. मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूँ, दुनिया भर की एग्जाम्पल दूँ, लेकिन अगर माइंड खुला नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये नहीं काम करेगा. सो इट डज नॉट रिक्वायर एविडेंस, इट वर्क्स इन रिवर्स. वो कहता है पहले आप ईमान के साथ अपने गोल को होता हुआ देखो, इंशाल्लाह रिजल्ट यही है कि वो आपको रिजल्ट मिलेगा. इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल एफर्ट. अक्सर लोगों की जो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्शन, यार क्या मतलब है शेख चली इधर उधर बैठ के विजुलाइज करते हैं और वो हो जाएगा. मैंने कि नहीं मैं बिल्कुल यही नहीं. इसीलिए शुरू में याद है मैंने 4 images की बात की, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रीएम्प्ट दैट ऑब्जेक्शन. बिल्कुल भी नहीं. But what I'm saying is, our minds are so powerful that when you start conceiving, इस तरह वो नेपोलियन ने कहा ना, the success lies in ABC, achieving what you conceive and what you believe. ABC, achieve, believe, but first of all you need to conceive in your mind, and that is where the lack of imagination and right brain doesn't help us. But if it wasn't enough. बिल्कुल भी बात नहीं है. जब आप लेकिन विजुलाइज करेंगे तो आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, मोटिवेशन होगा, चलो यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं उससे आके मिल लेता हूँ, मैं ये चीज ट्राई करता हूँ. आप बैठे रह ही सकेंगे. जब हम विजुलाइज करेंगे तो आपको फिजिकल एनर्जी और एफर्ट भी मिलेंगे. एज आई सेड वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट.
हमें सिर्फ अंदाजा नहीं है, एहसास नहीं है उसको ऑलरेडी करें, आज से इसको सामने कॉन्शियसली यूज करें। इसके और भी फायदे हैं, अपने लाइफ में गोल अचीव करने के बजाय अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में अगेन जो तफाकत होते हैं वो तफाकत नहीं होंगे। आप एक आध एक्सपेरिमेंट करें, किसी ऐसे दोस्त के बारे में रिकॉल करें जिससे कुछ सालों तक आपकी मुलाकात नहीं हुई, बट देन बी रेडी, क्योंकि जब उसकी कॉल आएगी या मैसेज आएगा या आप कहीं टकर जाएंगे ना, जमीन निकल जाती है पांव में। अगर आप ये बिलीव करने को तैयार हैं कि ये तफाक नहीं था, यू ट्रिगर इट, क्योंकि हमारा लैक सेल्फ एस्टीम कहता है कि इंसान में ये ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, हम तो बेबस। Visualization is the technique for using imagination to create what we want in life. It is connected with the creative energy of the universe. It is a spiritual exercise using your thoughts and imaginations to change your life in a positive way. इसके दो हिस्से हैं, एक इसको हम कहते हैं पॉज और एक इसको हम कहते हैं अफेक्ट। अफेक्ट तो वही है जो मैंने आपको बताया, आप उसको कोइंसिडेंसेस कह रहे हैं, चांस कह रहे हैं, हमारी लाइफ में जो चीजें होती हैं या कॉन्शियसली अदरवाइज। अगर आप कॉन्शियसली करेंगे तो वो मैं स्टेप्स अब आपको बता रहा हूँ और उसके लिए एक वीडियो में हम स्टेप्स देखते हैं, देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। Can you recall the steps? Realize the goal. Set a goal. It all starts with first focus. उस पे focus करें, concentrate करें, यानी इसको देखते रहें repeatedly. तीसरा क्या था? Picture yourself. हाँ, उसको होते हुए देखें, देखिए वो हो गया. That's where the challenge comes in. वो मैं आपको जो इतनी सारी तबीयत बांध रहा था ना, वो इसलिए बांध ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये तो बड़ा आसान सी चीज़ है, तो ये क्यों नहीं कर पाते लोग, इसलिए नहीं करते। जब हम करने जाते हैं तो हमारी लाइफ लॉन्ग कंडीशनिंग आड़ी आती है ना, वो आके कहता है नेगेटिविटी। अच्छा, अल्लाह ताला ने ज़हन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, तो वो दायरे हमको इमोशनल रिस्पॉन्स से भी बचाने के लिए। ओके, सो व्हाट आई वांट टू इज थिंक ऑफ समथिंग दैट यू वांट इन लाइफ। Anything, trust me, the only limitation is our mind. Otherwise, इसमें इसको रोकने के लिए कोई चीज नहीं है।
So take a moment and think what you want to write. चलिए अब इन स्टेप्स को हम रिकैप करते हैं एक वर्ड में जिसको मैंने बनाया है रिवर की शक्ल में ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर द वर्ड रिवर। और इस रिवर का हम पहला लेटर जो यूज करेंगे वो आई है, आई से बनाएंगे इमेज। किस चीज का इमेज? एग्जैक्टली अभी जो आपने सोची है जो चीज उसकी तस्वीर जहन में आनी चाहिए। द की थिंग इज you start off with a goal in mind. That could be anything, as I said. I mean, I can't emphasize it enough. Imagine yourself playing a game. So, play it big. So, any goal, any change, any problem. But it has to be specific. That's the key. Health, to kya illness? Wealth, to kitni amount? Gaadi, तो कौन सा मॉडल? ये जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं है। आपसे ये कहें मैं अच्छा हो जाऊं, मैं अच्छा मुसलमान हो जाऊं, बड़ा इंसान बन जाऊं, बड़े पैसे आ जाएं, बड़ी गाड़ी आ जाए, ये नहीं काम करेगा। द की इज टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट। सो अभी आपने जो कुछ भी सोचा है उसको रिविजिट करें और अपने आपसे पूछें इज इट स्पेसिफिक इनफ। ठीक है, स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद आपने दूसरी अहम चीज है वो ये है कि जब आप दिन भर में या रात में जब भी आप इसको विजुलाइज करने जाएंगे तो पहला काम आपने करना था वो रिलैक्स करना। तो मैं आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा कि क्यों ऐसा, लेकिन एक्सपर्ट से कि जब हम एंजाइटी में होते हैं, परेशान होते हैं, ये काम नहीं करता, हमें इसको रिलैक्स करना होगा। रिलैक्स के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिक्र कर लें, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने, सॉन्ग्स ने प्लीज वर्ड से प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो instrumental music, anything that relaxes you, कोई अपना पुराना खुशगवार वाक्या ना उसे करते भी, we relive in our memories, we recall certain memories. If you're really good about it, if you're relaxed, especially tense situation. But the one that I use the most is breathing. आप सोच रहे होंगे यार सांस तो आप ही लेते हैं, मैं कौन सी? So the typically breathing that we do is through our chest. A couple of slow deep breath, अगर आप दो तीन गहरी सांस लें तो आप नोट करेंगे कि हम अपने सीने से कर रहे थे। Yes, stomach breathing or abdominal breathing is the one that is more effective in relaxation. Because when we use stomach breathing, it expands our lungs more, it relaxes our muscles, it keeps our heart beating and blood pressure normal. So let's take a couple of slow deep breathing through our stomach. The idea is when you inhale, your stomach should expand. And when you exhale, it should collapse. ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेहतरीन और सस्ता तरीन प्रोटोकॉल है। कहीं भी आप बैठे हो आप कर सकते हैं। So once you relax yourself, then you vividly, meaning very clearly, visualize and imagine your goal as happening. Through your five senses, उसको देखें, उसको सुनें, उसको महसूस करें, टच करें, टेस्ट करें, अगर वो टेस्ट की एनर्जी है। The idea is to employ all your senses and to see it as real as possible. कि ये हो गया, ये हो रहा है। उस लुफ्त को दोबारा करें, उसमें इतना महब हो जाए, उसमें इतना बॉल हो जाए कि आपको यही ना फर्क पता चले कि ये असल में हो रहा है या मैं मैजिक कर रहा हूं। ये पर खत्म हो गया ना, समझेंगे ये आप काम, आप काम शुरू। बिल्कुल ऐसे न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तीन बास्केटबॉल टीम्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक बास्केटबॉल टीम को कहा कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, एक बास्केटबॉल टीम को कहा कि आपने फिजिकली 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है, और तीसरी टीम को कहा कि आपने सिर्फ बैठ के रिलैक्स करके और विजुलाइज करना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी बॉल अंदर है। और 20 मिनट के बाद जब उन्होंने तीनों से रिजल्ट लिए तो जो फिजिकली और मेंटली कर रहे थे हम दोनों में सिर्फ 1% का फर्क था। इस पे लगातार एक्सपेरिमेंट्स हुए। सो द की थिंग इज आवर माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट
कि ये फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है या इस वाली वर्ल्ड में हो रहा है. द की इज टू इमेजिन इट सो रियल दैट इट ट्रिगर्स एंड व्हाट वी कॉल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो आपने इसको रिपीट करना है रात को सोते वक्त सुबह उठने के बाद कि ये आइडियल प्राइम टाइम होता है इम्प्रिंट करने का साइकोलॉजी. 5 से 15 मिनट घड़ी देर की जरूरत नहीं है. द आइडिया इज टू फोकस ऑन इट फॉर सम टाइम. डू इट फॉर 21 डेज. नॉट सो दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट इन 21 डेज. But the idea is to get your mind used to visualizing. In the latter collision, the thing, this is that you have to be second in this. नहीं तो एक साल भी तो फिर पॉसिबल हुआ. इमोशन जब आप जाहिर है अपने गोल को होता हुआ देखेंगे तो कैसा महसूस करेंगे? बहुत बहुत अच्छा लगेगा. और जितना ज्यादा मेहनत होकर करेंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी से आपकी इमोशन निकलेगी. ये जरूरी है. एनर्जी आपकी बॉडी से निकलना, थॉट से तो निकल ही रही है ना, ब्रेन सिग्नल्स जा रहे हैं. इसीलिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ लोगों के फोकस ऑन व्हाट यू वांट पैशनेटली, क्योंकि उसमें आपकी विजुलाइजिंग जो है वो एफर्टलेस हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह आप उसका रिजल्ट देखेंगे. सो अगर आप अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स में अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, यानी अपने अंदर की कोई चीज़ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उसका तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है कि हमारा जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम जुड़े हुए हैं. तो जब भी आप कोई इमेजिन करेंगे, जब भी कोई इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो माइंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वो सिग्नल भेजेगा बॉडी को एंड द मसल्स हैव टू फॉलो. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. सो योर हेल्थ इंशाल्लाह विल आल्सो इंप्रूव. वैसे ही कहते हैं कि 3/4 मरीज साइकोसोमेटिक होते हैं. इट्स ऑल हियर. प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा आपने. सो अपनी स्किल्स और हेल्थ को बेहतर करने के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है. और अगर आपको कोई और गोल अचीव करना है उसके लिए भी. जी ना, आप बता रहा था कि रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम सुबह चाको चौबल उठते हैं तो हमारे जो ब्रेन के लेवल्स होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं. 21 हर्ट्ज पर सेकेंड हमारी ये चल रही होती है ब्रेन वेव्स. फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है थकावट होती है. ये है विजुअलाइजेशन का, मेडिटेशन का अल्फा लेवल. इसको हम बोलूँ की भी कहते हैं. तो रात को सोते वक्त सुबह उठने के बाद आप देखेंगे जब हम सोने के लिए लेटेंगे तो यहाँ से गुजरेंगे, हमारा जहन अल्फा लेवल से गुजरेगा. यहाँ पे आपने विजुलाइज करना है. और जब हम सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तब फिर हम यहाँ से गुजरते हैं. तो ये अल्फा लेवल पे हमने यानी सेमी कॉन्शियस स्टेट पे विजुलाइजिंग इज इंपैक्ट. हेंस द रिलैक्सेशन टेक्निक्स. इसी तरह हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा है, मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी लेवल है. अगर इंफ्रारेड मशीन आज होती तो हम सब अपने इर्द गिर्द की ये ऑरा देख पाते हैं. तो जब हम विजुलाइज करते हैं और हम पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो भी अफेक्ट करते हैं. अब ये दोनों एनर्जी लेवल्स हैं, ब्रेन से भी और बॉडी से भी, ये किस तरह अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है. और आपने सुना है ना ओम शांति में शाहरुख क्या कहता है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं कि इंसान किसी चीज को अपने दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है. ये डायलॉग किस किताब से लिए? एल्केमिस्ट ऑफ पॉलो कोएलो. व्हेन यू फॉलो योर हार्ट द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गिव इट टू यू. जैसा बात करते हो हम वैसा करते हैं. देखिए जी, बात सारी है ये सारी बातें दिन बनी. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम बड़ा हाथल रहते हैं तो ये माइंड साइंसेस में हमें ज़्यादा बिलीव होती है. लेकिन है ये सारी एक चीज़ को मैं कहता हूँ, टू साइड द सेम कॉइन. दिस इज हाउ इट विल वर्क, दिस इज हाउ इट वर्क्स. जब आप विजुलाइज करेंगे, लेट्स से यू आर पर्सन ए, आपने कॉन्शियसली विजुलाइज करना शुरू किया, आपके ब्रेन वेव से वो थॉट एनर्जी निकली और बॉडी से भी निकली, तो ये कायनात में जो भी शख्स होगा, लेट्स से पर्सन बी, ये उसके लाशऊर से होते हुए उसके कॉन्शियस लेवल पे आएगा. और उसको क्योंकि आपको जो डिमांड हो रही है ना वो सप्लाई कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो कौन शख्स है. सारे देखिए अल्लाह ताला ने अगर हमारी दुआएं पूरी करनी होती है, खाशा पूरी करनी होती है, अगर वो असबाब है आप उसको एंगल से देख लें. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तक्वा अख्तियार करो, मुझसे डरते रहो, मैं तुम्हारे ऐसे जराए से मदद करूंगा तुम्हारे नियमों को मानने. आप मेरी बातों से कोई डिसएग्री कर सकते नहीं, मैं कुरान के अल्फाज.
इसको से अगर आप मैप आउट करने रिलेट करेंगे तो ये होता है, इसको कहते हैं कोइंसिडेंसेस। इस तरह से वो शख्स आपकी लाइफ में आता है। तो एज आई सेड इट माइट टेक अ व्हाइल, डी डोर हो सकता है आपकी लाइफ में, मेरे साथ बहुत हो। आई वांटेड टू बी अ ट्रेनर, आई स्विच जॉब्स, एंड आ गया यार ये क्या हो रहा है। यू नीड टू हैव फेथ। आपकी लाइफ जर्नी में डिटोर्स आएंगे, वो बेसिकली अल्लाह ताला आपको कह रहा है नहीं यहाँ से नहीं जाओ, मुझे पता है इधर से जाओगे तो तुम्हारा रास्ता बेहतर। सो फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट हैव फेथ, कीप विजुलाइजिंग एंड यू विल इंशाल्लाह अचीव इट। बट टाइम कभी कभार लगता है, कभी कुछ चीज़ें मिली दिनों में मिली, कुछ हफ्तों में मिली, कुछ महीनों में मिली, कुछ सालों में मिली। इफ आई गिव अप ऑन समथिंग दैट इज माई चॉइस, बट इफ यू रियली वॉन्ट समथिंग पैशनेटली यू विल गेट इट। सो माई फादर joined the bank in 1950 and he had set a goal, mind you, sir, unko visualization nahi pata tha. Main aapko isse example de raha hu ki unintentionally kis tarah kaam karta hai. Unka passionate ek goal tha ki maine ek bank mein kaam karna hai. Ye maine interview unka is waqt kiya jab retire ho gaye the, main apni kitab pe research kar raha tha. Main kaha aap bataye how was your career, how was your journey. He said when I joined the bank in 1950 I wanted to retire as SEVP 25 years. I said, why do you want to passionately work in a bank? And he said, India mein musalmanon ko bank mein naukri nahi milti. Ye maine bas ek yunga reaction tha karna. He retired as EVP from National Bank. But he achieved it in 27 years. Do saal se waqf ho gaye. SEVP bhi nahi hue. But what I'm saying is, whether you like it or not, whether you believe it or not, this works otherwise. मेरी मैंने तो आपको बताया करियर से शुरू में ही मैंने स्टार्ट कर लिया था, मगर उसके ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो मेरा बड़ा बेटा था, क्योंकि हमने इसकी फिर लाइफ में तो इनकम क्रिएट कर दी ना। He doesn't know otherwise. मतलब my father could have doubted it, I would have doubted it, but he was groomed in an environment where he believes this is the way of life. तो ये उसने दौड़ में ना 100 मीटर वाले में तो ये उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो हमने क्या इसकी हेट्रोसिजेशन की, क्या प्रोग्रामिंग की, ये जब इस रात को सोने के लिए लेटता था तो मैं उसको एग्जैक्टली वही कराता जो मैंने आपको बताया। मैंने कहा चलो स्टमक ब्रीदिंग करो, आंखें बंद करो, रिलैक्स करो और इमेजिन करो कि तुम मैदान में दौड़ रहे हो। देखिए बच्चों की इमेजिनेशन और राइट ब्रेन को अगर आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो वो उतना टाइम होता तो शुक्र है। अब वो मैं कहता अच्छा क्या देख रहे हो, ग्यारह साल में won 9 medals. Mashallah, he's 19 now. He just finished his school from ground, taking a gap year, and he's working on Pakistan's first hand-drawn animated movie. Alhamdulillah, Allah ka bada karam hai sahab. Lekin main sirf aapko example de raha hoon. Ki sirf visualizing is not the key. It's the things that go along with it that matter. बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैंने अपनी रिसर्च में की, आई थिंक रन ऑफ टाइम, सॉरी क्विकली गो थ्रू इट। बहुत सारे साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स, इमरान हाजी, वसीम अकरम की भी ग्रोइंग इंजरी का ही मसला था। माय मेंटर वाज ट्रैवलिंग, ही मेट इंतखाब आल इन मिड 90s, उस जमाने में फैसलाबाद वसीम अकरम एसएनडी सी टीम आई थी। तो ये माय मेंटर और इंतखाब आल वर ट्रैवलिंग सेम थिंग। इंट्रोडक्शन हुए, उन्होंने कहा जी वो इंतखाब ने कहा जी मैं क्रिकेट कोच हूँ, मेंटर ने कहा कि जी हॉकी टीम का नेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो अगर खान पूछा क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ। अच्छी कैन हेल्प अस। तो सरीना होटल फैसलाबाद में दे मेट टुगेदर, इमरान खान जा रहा मियाँ जा रहा था। एंड देन माय मेंटर आस्क्ड हिम व्हाट्स द प्रॉब्लम, ही सेड कि जी मैं जब तेज दौड़ता हूँ तो ब्रेक डाउन हो जाता, मेरी ग्रोइन इंजरी होती है। मैंने सर्जरी भी कराई बट इट्स नॉट हेल्पिंग। सो माय अंकल सेड इट्स इशू इज हियर, जब तुम ये बिलीव करते हो, सेल्फ टॉक करते हो कि मैं तेज दौड़ूंगा तो ब्रेक डाउन हो जाऊंगा, तो वही होगा बिकॉज थॉट्स मैनिफेस्ट। तो क्या करूँ,
लेकिन अपनी ये विजुलाइज करो, ये सेल्फ टॉक करो कि जब मैं तेज दौड़ता हूं तो मैं और फिट हो जाऊं। तो शुक्र है बुजुर्ग आदमी थे तो उनकी बात अच्छी है, मैं होता तो उठा के भेज दे। बट इट वर्क ट्रेमेंडसली एंड ही डिड बोल्ड एंड वेल फास्ट। इसामुल हक जब 2007 की बात है, 11 साल पहले अखबार मैंने देखा, वो जनवरी 1st से अपनी डायरी में लिख रहा था दैट आई एम 1.54 प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक माय फ्रेंड, but he was programming by writing on his diary, telling yourself what you want. 2009 ka jo T20 world cup jeeta usme bhi wapas aake Malik ne diya ki ji those sessions helped us as the doctor used the power of hypnotism to drill into our mind that we were going to England to become the world T20 champions. Can you guess who that doctor was? Lahore mein hote clinical psychologist and hypnotist डॉक्टर मकसूद बावली, डॉक्टर मैक्स बावली। जाने से पहले उन्होंने टीम के सेशन सुने। 2011 में इंडियन क्रिकेट टीम ने जब जीता तो उनके साथ एक मेंटल कंडीशनिंग कोच था, एक साल से उनकी प्रोग्रामिंग कर रहा था पैडी ऑप्टन। स्पोर्ट्स में तो बहुत आम है, बट इट्स नाउ कॉमन इन हेल्थ, इन बिजनेस, सेल्स। द की थिंग इज व्हाटएवर दैट यू विजुलाइज विल मैनिफेस्ट। So be very careful because the environment will manifest if we don't. So to conclude, do apply the river technique, focus on the positive, not the negative. मतलब ये अपने आप को बोलना सेट करें कि मैं बीमार ना हूँ, मैं गरीब ना हूँ, ये जुमले गोल्स नहीं होने चाहिए। जो होने चाहिए कि मैं सेहतमंद हूँ। अब पॉजिटिव अफर्मेशंस बिल्कुल ठीक है। शेयर गोल्स ओनली विद द पॉजिटिव। कम से कम जो यहाँ पे आप आज जिन्होंने अटेंड किया, आप इनसे खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि नॉट एवरीवन इज रिसेप्टिव टू दिस कॉन्सेप्ट। ये बात अगेन मैं चलते फिरते भी नहीं करता, एक माहौल होता है, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। आप वापस जाके अपने जो करीब के लोग हैं, 5 लोगों को बिठाएं, उनसे शेयर करें। टीच बैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। आपके अपने भी कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स होंगे। बी अवेयर अपने एनवायरमेंट में, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन शख्स आपको वसीला बनेगा आपके गोल को अचीव करने। जिंदगी के नापसंदीदा शख्स भी हो सकता है कि वो वसीला बने। तो बिल्कुल दिल साफ और जहन खोल के आपने हर एक से मिलना है, क्योंकि आपको ही पता आपकी लाइफ गोल्स को आगे बढ़ाने में कौन मददगार होगा। एंड देन यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो किसी एक पैटर्न के तहत हो रहा है। सो बी केयरफुल विद एन ओपन माइंड एंड बी पेशेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बी पेशेंट। हर चीज अपने वक्त पे होती है, सही होती है, और कुछ चीजें मुझे नहीं मिली, disappointment hui, but that's part of it. I have to say something. I'm not God, we're not God. We have to accept that. ठीक है जी, क्यों नहीं लोग फायदा उठा पाते? क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, हम अपने एक्शन बिहेवियर को नहीं देखते। माइंडसेट, हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, हम बहुत फिक्र नहीं करते और इसके पीछे क्या चीजें। लेकिन ये असल चीजें हमारे पास एक्सपीरियंस, हमारे डर ऑफ फॉल, हमारे वैल्यूज, हमारे बिलीव्स, सेल्फ एस्टीम, ये अगर आपने जान लिए आपको पता चलेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट जान लिया तो आपके एक्शन और बिहेवियर वैसे होंगे, एंड इंशाल्लाह दैट्स हाउ यू विल गेट रिजल्ट्स। सो इफ यू और एनीवन इज अनएबल टू बेनिफिट फ्रॉम विजुलाइजेशन, दिस इज द रीजन। ठीक है, आपको मौका मिले तो माइक टूनी की वीडियोज वो देखिए यूट्यूब पे, ये भी आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। अपने एग्जाम्पल से बताता है कि किस तरह से विजुलाइजेशन के जरिए इसने अपना जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम थी ऑफ ट्रैवलिंग वो इसने अचीव किया। हुजूर हसन से किसी ने पूछा हुआ तो लर्निंग, उन्होंने जवाब दिया प्रैक्टिस की आदत बनाने की, और अल्लाह ताला आपको सारे आपकी ख्वाहिशा दुआएं पूरी करें। बस कंक्लूड करूंगा इस दुआ के ऊपर, शेर एक्चुअली कि अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, ये मेरे मेंटोर हमेशा कंक्लूड करते थे तो मैं उस सिचुएशन को कायम रख रहा हूँ। अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी कसरत अनवार से हैरान।